दोस्तों बिग बॉस में हमेशा ही ऐसा होता आया है जब ऑडियंस कंटेस्टेंट्स की असली उम्र जानना चाहती है पर कई बार फैंस को सही जानकारी नहीं मिल पाती है। कई बार नहीं लेकिन इस बार आपको बिग बॉस OTT सीजन 3 के कंटेस्टेंट्स की उम्र जानने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो हम इस वीडियो में रिवील करने वाले हैं और जानेंगे उनके बारे में और भी कुछ बातें, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। रणवीर शोरे। 51 वर्षीय रणवीर शोरे जालंधर से बिलोंग करते हैं जो एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई आए थे। शुरुआत में उन्हें काम तो मिला लेकिन वो स्टार एक्टर नहीं बन पाए। एक्ट्रेस कौन-कौना सेन शर्मा से उनकी शादी हुई थी जिनसे उनका साल 2020 में डायवोर्स भी हो गया। दीपक चौरसिया। 51 वर्षीय दीपक चौरसिया एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं। न्यूज पर उनकी आवाज आपने जरूर सुनी होगी और उनको देखा भी होगा। एक जर्नलिस्ट के तौर पर तो उन्हें बहुत पसंद किया गया लेकिन एक इंसान के तौर पर उन्हें कितना पसंद किया जाएगा ये बिग बॉस में देखने को मिलेगा। साई केतन राव। 29 वर्षीय साई केतन राव बचपन से एक्टर बनने का सपना लेकर बड़े हुए और उन्होंने एक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत भी की। धीरे धीरे ही सही पर उन्हें टीवी पर काम मिला और पॉपुलैरिटी भी मिली। आज साई केतन बिग बॉस में पहुंच चुके हैं। मनीषा खतवानी। 41 वर्षीय मनीषा पेशेवर एक्टर हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं। शिवानी कुमारी। 22 वर्षीय शिवानी कुमारी का जीवन संघर्ष भरा रहा लेकिन टिकटॉक पर जब उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो टिकटॉक से उन्हें प्रसिद्धि मिली लेकिन टिकटॉक वीडियो बनाने पर भी उन्हें घर में ही विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी माँ से लोग बोलते थे कि तुम्हारी बेटी नचनिया बन गई है, इसीलिए शिवानी और उनकी माँ का रोज झगड़ा होता था। लेकिन शिवानी जब फेमस हुई बन गई तो उनकी मां को समझ आया। आज शिवानी बिग बॉस के घर में हैं। सना सुल्तान खान। 24 वर्षीय सना सुल्तान खान मुंबई में पैदा हुई। आज वो एक मॉडल एक्टर और इन्फ्लुएंसर हैं। वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी जिसके लिए उन्होंने कदम भी बढ़ा लिए हैं लेकिन अभी भी वो उतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाई हैं जितना बनना चाहती थी। अरमान मलिक। 34 वर्षीय अरमान मलिक सोशल मीडिया का एक फेमस नाम है। उनकी प्रसिद्धि इसलिए है क्योंकि उनकी दो बीवियां हैं। इस चीज के लिए वो बहुत ट्रोल भी किए जाते हैं। बिग बॉस प्रीमियर में उन्होंने बताया कि 6-6 दिनों में उन्हें दोनों बीवियों से प्यार हो गया था। हालांकि ये बात सच है कि अरमान एक बहुत बड़े धोखेबाज हैं जिन्होंने अपनी पहली बीवी पायल मलिक को धोखा देकर दूसरी शादी कृतिका मलिक से कर ली थी। पायल मलिक। 30 वर्षीय पायल मलिक अरमान मलिक की पहली वाइफ हैं। उन्होंने इस रिश्ते में बहुत कुछ झेला है। हर कोई जानता है कि पायल मलिक के साथ इस रिश्ते में बहुत गलत हुआ। अरमान मलिक ने तो रिश्ता नहीं निभाया लेकिन पायल मलिक ने दूसरी शादी करने के बाद भी अरमान से अपना रिश्ता निभाया है। कृतिका मलिक। 30 वर्षीय कृतिका मलिक अरमान मलिक की दूसरी वाइफ हैं। कृतिका भी सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हैं। उन्होंने अपनी दोस्त पायल को धोखा देकर उनके हस्बैंड से शादी कर ली थी। कृतिका को भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। नीरज गोयट। 32 वर्षीय नीरज गोयट हरियाणा की मिट्टी से पैदा हुए एक एथलीट हैं जिन्होंने कई बार भारत का नाम रोशन किया है। सना मकबूल खान। 31 वर्षीय सना मकबूल खान पेशेवर मॉडल और एक्ट्रेस हैं। वो कई तेलुगु फिल्म में काम कर चुकी हैं और कई हिंदी टीवी शोज में भी काम कर चुकी हैं। विशाल पांडे। 26 वर्षीय विशाल एक्टर, डांसर, यूट्यूबर और फैशन मॉडल हैं। उन्होंने वीडियो बनाने की शुरुआत टिकटॉक से की थी जहां उनका एक ग्रुप था तीन तिगाड़ा जिसमें उनके दोस्त भाविन भानुशाली और समीक्षा सूद काम किया करते थे। टिकटॉक से ही विशाल को बड़ी प्रसिद्धि मिली। लवकेश कटारिया। 24 वर्षीय लवकेश कटारिया एक यूट्यूबर हैं और इन्फ्लुएंसर हैं। लवकेश की बड़ी पहचान इसलिए है क्योंकि वो फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विस यादव के दोस्त हैं। चंद्रका गेरा दीक्षित। चंद्रका की उम्र कंफर्म नहीं है पर कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वो 25 या 26 साल की हैं। चंद्रका बड़ा पाव गर्ल नाम से भी फेमस हैं। वो दिल्ली में बड़ा पाव की रेड्डी लगाती हैं जहां बहुत भीड़ हुआ करती है और इस चीज के लिए उन्हें बहुत कॉन्ट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा है और इसी कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से उन्हें मिला है बिग बॉस। चंद्रका ने बचपन से ही बहुत संघर्ष किया। बचपन में ही चंद्रका के माँ की मौत हो गई थी जिसके बाद उनकी नानी ने उन्हें पढ़ाया बढ़ाया। दोस्तों बचे हुए कंटेस्टेंट नाइजी यानी नावेद शेख और पोलोमी दास के बारे में अभी कुछ ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर आपको है इनके बारे में कुछ जानकारी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर दें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।